इश्कोमन, इश्कोमन वैली का नाम है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गीदर। रात हम रुके हुए थे यहाँ पे गीदर सिटी में और इसका हेडक्वार्टर गाकूच में, सी पैक होटल में हमने स्टे किया और अभी हम निकल रहे हैं इश्कोमान वैली के लिए। इस तरफ जो है शंदूर है, पीछे हमारी बैक साइड पे गिलगित है और यहाँ से राइट साइड पे हम जाएंगे फॉर इश्कोमान। चल भाई। अल्लाह سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نصر من الله وفضل من قريب يا الله خير। ये राइट साइड के ऊपर जैसे ही आप मुड़ते हैं तो सामने जो है वो दरिया शंदूर आ रहा है, दरिया गीज़र आ रहा है। ये इसके ऊपर एक नया ब्रिज बना है, पहले यहाँ पे हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, अब ये इन्होंने नया बना दिया। 2 साल पहले मैं आया था तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे आगे रोड बन रही थी उस वक्त तक। अभी आज रात में किसी ने बताया कि जी वो रोड कंप्लीट हो गई, मुकम्मल बन गई आगे चित्तौड़खंड तक। अभी देखते हैं, जाते हैं तो पता चल जाएगा। ये ब्रिज तो बिल्कुल ही नया है और इश्कोमान वैली जो है यहाँ से हम जाएंगे और फिर हम उस साइड में वो जो पहाड़ों के दरमियान एक वादी आ रही है ये फिर आगे चलते हैं। ये तकरीबन कोई इसके अंदर 20 के करीब गाँव हैं और आगे आप जब सीधा जाते जाते हैं तो यही फिर आगे जाके आपको वाखान कॉरिडोर के साथ भी मिलाती है। वाखान कॉरिडोर की एक साइड के ऊपर जो लेफ्ट साइड आप समझ लें वहाँ पे ये फिर रास्ता इसका क्रमर देख पे निकलता है और राइट साइड पे जो है ये वाखान को डायरेक्ट टच करती है। ये चौक है, यहाँ से आपने लेफ्ट ले लेना है तो आप सीधा चले जाएंगे टूवर्ड्स इश्कोमान वैली। इश्कोमान वैली जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आपको कि जो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं यहाँ पे पास है उसको क्रॉस करके आगे आप दूसरी साइड को उतरते हैं। 2 दिन का वो ट्रैक है, 2 दिन की ट्रैकिंग करने के बाद आप उतर जाते हैं करम्बर लेक। एक ग्लेशियर है उसको आपने क्रॉस करना होता है, ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद आप दूसरी साइड पर निकलते हैं तो आगे सामने फिर आपको ब्रोगल वैली आ जाती है। आप ब्रोगल में क्रॉस करते हैं, ब्रोगल पास आप कह लें जो भी आपने उसका नाम देना। यस ही इज़ राइट, यहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे तो सड़क बिल्कुल बन रही थी, अभी ये बन चुकी है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो वैली है ये भी उसी तरह से एक अफगानिस्तान का बॉर्डर ही आप इसको समझें, लेकिन ये काफ़ी लंबा आपको जाना पड़ता है। तकरीबन आप समझें कि 100 किलोमीटर के करीब आप जाएंगे तो आगे जाके फिर आपका ट्रैक शुरू होगा। ये गाड़ियाँ जो हैं सुबह सुबह उधर से इश्कोमान से ही आ रही हैं और ये जाएंगे अब गिलगित। इश्कोमान जो है ये तहसील है गीदर की, गीदर डिस्ट्रिक्ट की। गीदर डिस्ट्रिक्ट का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेडक्वार्टर है एट गाकूच। तो ये जैसे ही आप निकलते हैं यहाँ से तो दरिया आपके लेफ्ट पे आ जाता है, ये साथ साथ चलता है। बाय द टाइम आप वहाँ से टर्न लेके राइट हो जाते हैं टूवर्ड्स इश्कोमान। इश्कोमान का शहद जो है बड़ा मशहूर है, क्योंकि शहद तो खैर ओवरऑल भी इस वैली में काफ़ी मशहूर है क्योंकि फ्रूट ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, तो मक्खियाँ जो है उनको शहद बनाने में आसानी होती है। द ओनली इशू इज़ के वो जो बनाने वाले बैठे हुए हैं वो आपको खालिश दे दें, क्योंकि उन्होंने चीनी के थैले रखे होते हैं और वो चीनी डालते रहते हैं मक्खियों, मक्खियाँ वही चीनी चूस के तो उसी से शहद बना देती हैं। फिर होता क्या है कि जब आप उसको लेके जाते हैं तो कुछ देर रखने के बाद उसकी जो शक्कर है वो नीचे बैठ जाती है और थोड़ा बहुत जो दूसरा शहद का कोई एलिमेंट होता है वो ऊपर आ जाता है। तो अगर आपको खालिस मिल जाए इस वैली में से कहीं से भी तो वो नेमत है। इश्कोमान का मैंने एक दोस्त से मुझे गिफ्ट किया था तो इश्कोमान का शहद जो है वो बड़ा अच्छा है। अभी वो दरिया जो है थोड़ा सा उसका पेट यहाँ पर बड़ा हो जाता है। ये वैली इटसेल्फ भी काफ़ी बड़ी है, ऊपर तक भी अगर आप देखें यहाँ से तकरीबन जो इसका पहला पॉइंट है जिसको आप चित्तौड़खंड कहते हैं, चित्तौड़खंड इंडिया में भी जगह है चित्तौड़खंड के नाम से। तो चित्तौड़खंड पहुंचने तक कोई इस रूट के हिसाब से आपको आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में आप चित्तौड़खंड पहुंचेंगे, वहाँ पे जो ऊपर से नाला आ रहा है इश्कोमान नाला, उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ जिसका नाम है बामे दुनिया। तो बामे दुनिया जो है पे आप जा सकते हैं, वहाँ से एक बामे दुनिया के साथ से एक राइट साइड पे ट्रैक निकलता है
उस ट्रैक के ऊपर जाके आगे एक लेक आती है, कोई शायद 2 दिन का या 1 दिन का ट्रैक है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लोकल्स के अंदर वो ट्रैक काफ़ी फेमस है, लोकल्स वहाँ पर आते जाते हैं, बाकी जो बाहर के लोग हैं वो उस तरह से इतना उस वो लेक उनके लिए फेमस है। यहाँ से जो है इश्कोमान वैली का आपको एक ब्रॉडर व्यू नज़र आ रहा होगा, ये दरमियान में इश्कोमान नाला है, इश्कोमान रिवर है जो सदियों से यहाँ पे बह रहा है और उसने बह बह के कटाव कर करके अपना पेट जो है वो काफ़ी खुला कर लिया हुआ है। तो उस खुले होने की वजह से लोगों ने फिर अभी, क्योंकि पानी कम हो गया, कभी किसी ज़माने में किसी नबी की उम्मत में आया होगा यहाँ पे ज़्यादा पानी, अभी पानी को कम है, वो उस साइड में बहता है, तो इस साइड पर जो है वो लोगों ने अपनी ज़मीन काश्त करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी होती है कि ये जैसे भाई जा रहे थे, क्या हुआ, ये भाईजान का टायर जो था वो पंक्चर हुआ हुआ था, ये लॉक हो गया, ये हवा, सोचा कि चले हेल्प आउट कर दें। हमने यहाँ पे वैसे ये पहली सीडी 70 मोटरसाइकिल देखी है, अदरवाइज तो 70 किसी के पास भी नहीं। हो गया ना टाइट, कोटा लगा सी ना, चल 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 चल। ये जनाब फ़ायदा हो गया इन लोगों का भी, बेचारे पैदल चल रहे थे, उनको हमने फ़ायदा कर दिया। दो चीज़ें हो सकती हैं ना, एक तो ये है कि वो उनका जेन्युइनली टायर पंक्चर हो, दूसरा ये हो कि उन्होंने किसी काम पे जाना हो किसी ठेकेदार के पास और ख़ुद ही हवा कम कर ली हो, कि जाके आगे बताएंगे हमारा तो टायर पंक्चर हो गया था। तो जुगाड़ी आदमी भी तो होते हैं ना तेरी तरह। तो बहरहाल या हो सकता है सुबह सुबह वॉक कर रहे हूँ, आप ऐसे ही पंप लेके बैठ गए, वो जैसे किसी ने रोड क्रॉस कराई थी किसी बूढ़ी औरत को, उसने उसको मारना शुरू कर, अम्मा की होया, उन्हें क्या अंतरा मैं इतनी मुश्किल ना क्रॉस करके दूजी फंस गई तो फिर मैंने फाड़ के अस्पताल लगा था। वो तेरा मेरे मुझे लग रहा है यही हाल है, क्योंकि जब आपने पंप दिया है ना तो उन्होंने बड़ा रूखे से मुँह के साथ लिया, मुझे लग रहा था वो घर वालों को जाके बताना चाह रहे थे कि टायर पंचर हो गया था तो हम तो इसलिए लेट हो गए। बहरहाल ये नीचे आपको इश्कोमान रिवर जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये सारी इश्कोमान वैली है, इसका पानी जो है ये उसी पास से आ रहा होता है, उसी ग्लेशियर से जो पास आप क्रॉस करके तो उधर बरोहल वाली साइड। दरिया बिल्कुल वंस अगेन हमारे साथ आ गया है और उधर से वो जंगल भी, अल्लाह अकबर, ये मेरे हल मस्जिद है, यस ये मस्जिद है, ये आ गई है मस्जिद जुमा, मस्जिद जुमा। ये जो लई के बूटे है ना ये बड़े प्यारे लगते हैं, ये देखो बहुत ही आला खूबसूरत। वाओ क्या बात है, इश्कोमान इश्कोमन, अच्छा मैं मान मान कही जा रहा हूँ, सॉरी वो जुबान पे चढ़ा हुआ, इश्कोमन 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 वैली का नाम है। काफ़ी इसमें कहते हैं 20 के करीब गांव है और रोड जो है वो आखिर तक बनी हुई है, हम इंशाल्लाह हाफ तो पहुंच गए, अगला हाफ भी जो इंशाल्लाह आपको करके दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, इश्कोमान वैली का खूबसूरत रास्ता, वाह क्या कहने, ये फोर रनर कुछ इसके बाद पता नहीं फॉर्चूनर क्या लिखा हुआ था उसकी जैकेट के पीछे। उधर से देखें पहाड़ों की एक लाइन, पहाड़ों की चोटियां जो अभी भी बर्फपोश हैं, जून के आखिर में भी आप देखें तो अगर मोबाइल
नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसकॉम चलता है, उसके अलावा इश्कोमान वैली में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। लिहाजा आप जब भी जीपी आए तो हिफ्ज़े मातकदम के तहत वैसे ही एसकॉम की सिम ले लें, क्योंकि मोस्टली वही चल रही होती है। सिटी एरिया जो है वहाँ पे बाकी नेटवर्क चलते हैं, लेकिन आगे पीछे जो है वो नहीं। मतलब हम जब गांव से सुबह निकले थे उस वक्त जॉक भी आ रहा था और यूफोन भी चल रहा था, जैज भी चल रहा था, लेकिन उनका 4G नहीं आ रहा था। 4G जो है वो एसकॉम का ही आता है। लेकिन जब आगे यहाँ पे आए हैं इश्कोमान में, तो इश्कोमान में सिर्फ और सिर्फ एसकॉम चल रहा है, और हमारे पास जितने नेटवर्क हैं उनमें से कोई भी नहीं चल रहा, बाकियों का हमें नहीं पता। लिहाजा जब भी आए एसकॉम की सिम लेके आए। दूसरी बात, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के हवाले से होटल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छा जो होटल है यहाँ पे वो चित्तौड़गढ़ में है, बामे दुनिया। आप बामे दुनिया में रुक जाएं, उसका व्यू अच्छा है, रूम्स अच्छे हैं, उसका लॉन अच्छा है। लॉन खैर यहाँ पे सारे होटल्स के बड़े अच्छे हैं, क्योंकि खुली जगह है, लोगों के पास उन्होंने बड़ा अच्छा सीने करके उसको बनाया हुआ। दूसरी बात, अगर आप उसके अलावा रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है वो गेस्ट हाउसेज हैं, तो गेस्ट हाउसेज की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ कहीं रुकना चाहे रुक सकते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये मांगेंगे आप, बारगेन करके 1,000 रुपये में भी रुक सकते हैं। गेस्ट हाउस तो आपको 1,000 रुपये में आराम से मिलना चाहिए। बाकी जो बामे दुनिया है वो 3,000 से 5,000 आपसे चार्ज करेगा, वो आप अपनी बारगेनिंग पावर के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी बारगेन कर सकते हैं और कितना उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं। खाना उनका बहुत अच्छा है बामे दुनिया का। जब भी आप इश्कोमान में आएँ तो खाने के हवाले से ट्राउट ज़रूर ट्राई करें। बामे दुनिया में भी आपको ट्राउट मिल जाएगी, और वैसे भी वैली में आप जिस किसी से कहेंगे कि हमें ट्राउट चाहिए, वो आपको ट्राउट अवेलेबल कर देंगे, कोई भी चाहे रेस्टोरेंट हो। लिहाजा ट्राउट फिश आपने यहाँ पर लाजमी खानी है। बाकी जो ममतू टाइप चीज़ें हैं वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। ममतू बेसिकली है तो हुंजा का, लेकिन आपको गापू से भी मिल जाएगा, और कोशिश करने से आपको हो सकता है कि यहाँ इश्कोमान से भी मिल जाए। बोर्डिंग एंड लॉजिंग आ गई। ट्रैवल टाइम जो है वो अगर आप पहले गांव तक जाना चाहेंगे तो बापू से 1/2 घंटा लगेगा, अगर आप गिलगित से आ रहे हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो, बाकी बाइक के ऊपर आपको 3 घंटे लग जाएंगे। तो गिलगित से निकलेंगे इधर वाली साइड पे शंदूर रोड के ऊपर आप निकल आएंगे तो आगे आपको 2 घंटे की मुसाफत के ऊपर आ जाएगा गापूच। तो गापूच से नया ब्रिज जो आपको शुरू में वीडियो में दिखाया उस पे बैठे और आप इस साइड पे आ जाएं, तो तकरीबन 3 घंटे का फासला। अगर आप आखिरी गांव तक जाएंगे तो आपको वैली के अंदर ही जो है वो तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो ये हो गया ट्रैवल टाइम। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं आना चाहते, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है और आप अपना बजट कट करना चाह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो गिलगित से ही इश्कोमान के लिए आपको वैगन मिल जाएगी। वैगन वाला आपसे किराया लेगा 200 रुपया, उस पर आप बैठें और आप सीधा इश्कोमान आ जाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अपना कैंप साथ रखें, क्योंकि अगर आपका बजट कम है और आप उसको करना चाह रहे हैं डिस्काउंट पैकेज में, तो फिर आपके पास अपना टेंट और अपना बिस्तरा होना चाहिए, अपना बेड लगाएं उधर, बिस्तर लगाएं, कैंप लगाएं, और जिस जगह मर्जी जिस होटल में आप रुकना चाहें आप रुक जाएं, आपसे कोई बंदा पैसे चार्ज नहीं करेगा। बामे दुनिया का लॉन बहुत बड़ा है, किसी भी गेस्ट हाउस में आप कहें आपने कैंपिंग करनी है वो आपको मना नहीं करेंगे, और 500 रुपये की ऑफर आपसे नहीं लेंगे कि जी आप 500 देंगे तो हम आपको लगाने देंगे। हाँ, अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप किसी के घर में भी ठहर सकते हैं, लोग आपको वैसे ही ऑफर कर देंगे। रात ही मेरे साथ जो साथी था ये होटल ढूंढ रहा था, तो इसको आगे से 2 दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा जी आप छोड़ें आप हमारे पास ही आ जाएं। तो ये जाने तो लगा था, फिर पता नहीं इसको क्या ख्याल आया तो ये नहीं गया। तो आप देख के काबिल एतमाद बंदा, वैसे सारे काबिल एतमाद है, मैं ऐसे ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, कोई काबिल एतमाद बंदा देख के जो है वो आप किसी के घर भी ठहर सकते हैं। एक दिन जाएं, रात रुकें और उसको एक्सप्लोर करें वैली को, और फिर दूसरे दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो वापस आ जाए। तो इसके अलावा और कवर करने वाली चीज़ कौन सी रहेगी ये इश्कोमान के हवाले से, याद कराएं जी, और किसके टॉपिक पे बात करनी है, आना जाना, मोबाइल नेटवर्क, खाना पीना, हाँ बस यही चीज़ें। तो आप जब भी आएँ इस साइड के ऊपर, आपके पास टाइम हो तो तकरीबन कोई 5-6 घंटे का अगर आप एक्सप्लोर करके वापस आना चाहते हैं तो आपको हाफ डे में आप सारी वैली को कवर कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत है और देखने के काबिल है। बाकी अभी तक यहाँ पे जो खुबानी है वो पकने के करीब करीब है, ऊपर तो शंदूर वाली साइड पे तो अभी कच्ची थी, लगी थी,
लेकिन यहाँ पे जो है वो पकने करीब करीब है, दरिया बिल्कुल आपके साथ आ जाता है। और इसके साथ ही ये वीडियो हमारी ख़त्म हुई। मैं आजकल आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान के ट्रिप के ऊपर। आप जो हैं अगर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं तो मैं जीबी की, स्कर्दू की, चित्रान साइड की जो है वो गाइड वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी, जिस वैली में मैं जाऊँ मैं वहाँ पर बताता हूँ कि वहाँ पे होटल्स कौन से हैं, मोबाइल नेटवर्क कौन सा चल रहा है, लोग किस तरह के हैं, आपका एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो आप अगर इधर आने का इरादा रखते हैं तो आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।